दोस्तों ये देखें, ये इनको ला के इधर डाला है और देखो सब ने इकट्ठे ही खाना शुरू कर दिया है। रोकी भी देख रहे हैं कैसे मुर्गियां भी आके जुड़ गई हैं, सारी जुड़ गई हैं, उसको पता नहीं क्या आ गया। और रैबिट्स भी बाहर आ गए शोर की वजह से। वो फीमेल है जो वो अपने घर पे ही बैठी है, कह रही है कि अंदर नहीं किसी को आने देना, बदमाश बनी हुई है आजकल, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। हट जा तू यार, ओए पीछे जाओ रोकी, इधर आ जाओ। देखिए दोस्तों आज रोज रोकी तो दोस्तों संगली भी डाल देंगे, ये बहुत तंग करने लग गए हैं। सुबह मैंने ना इसको किसी बात की वजह से रोका, मुझे भी भौंकने लगा। शुक्र है मैं तो डर गया था, अकेला था ना। अभी तो साजिद भाई भी आ चुके हैं आपको पता है, लेकिन उससे पहले मैंने सारे परिंदों को छोड़ दिया था। और दोस्तों आपको बात बताऊँ, जो हमारा जगह है ना, अभी मैं उसको बाहर ला कर ना इधर खड़ा करता हूँ, उससे इसका पीले जो हमारा शजरा है ना, पीला शजरा शेरू, तो हाल देखें क्या कर दिया। ये देख रहे हैं, ये देखें दोस्तों इसके चेहरे का हाल देखें, अभी आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। बल्कि ऐसे करता हूँ, इनको ना मैं बाजरा डालता हूँ, तो बाजरा डालेंगे तो फिर इसका आपको मैं चेहरा दिखाऊंगा। और ये देखिए ये दोनों बाहर आ गए, इनको भी मैं घास वगैरह ना डालता हूँ, लेकिन पहले उनसे ना इनको पहले बाजरा वगैरह डालूंगा ना, ताकि ये एक तरफ हो जाएंगे, और जो हमारे रैबिट्स हैं उनको दोस्तों एक तरफ कर देंगे। ठीक है साजिद भाई बाजरा लेके आना, अभी साजिद भाई बाजरा लेके आते हैं तो ये अलहदा हो जाएंगे, और जो रैबिट्स हैं उनको अलहदा करके उनको घास वगैरह डालेंगे। और डक का अंडा दोस्तों मैंने अभी नहीं उठाया, उनको मैंने खोल दिया, बहुत शोर कर रहे थे। देखो वैसे उनकी मुझे हैरान किया, इतना चूच है ना कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये सारी मुर्गियां उनसे डरती हैं। हालांकि जितनी ये ख़तरनाक है, प्योर असील है ना दोस्तों, हम कहीं कहीं से कितनी कितनी दूर से जा कर ले के आए हैं। हाँ अभी गुड्डू क्या सुन रहे हो, ये इनको क्या हुआ, दोनों कोई बहुत अच्छी नस्ल की हैं वो, देखे दोनों इकट्ठी खड़ी। और दोस्तों ये ब्लैक वाली का ना चेहरा देखें, नियोले की तरह है। तो अभी दोस्तों साजिद भाई बाजरा ले आए, और उसके बाद ना देखें देख लें इनके काम कैसे देखें, सारे इकट्ठे हो गए हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं डक्स भी हमारे रोकी और रानी दोनों इकट्ठे हो गए हैं, कैसे झगड़ा वगैरह कर रहे हैं। ओह ये देखें माशाल्लाह। अभी दोस्तों हमारे रैबिट्स को उनको घास वगैरह डालेंगे, क्योंकि ना ये खा रही हैं। और पीला शजरा का है वो आपको दिखाता हूँ, उसके चेहरे की हालत अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखें इसके चेहरे की हालत देखें दोस्तों, क्या हुई पड़ी है। ये देखें नज़दीक करके दिखाता हूँ, अभी थोड़ा डर डर रहा है। ओए ओहो सोना के काम देखा दोस्तों, उसके साथ झगड़ा करने लग गया। साजिद भाई मैं साजिद भाई को बुलाता हूँ, उसको कहता हूँ कि जगह को निकाल के ना इसके अंदर इधर बंद करते हैं पिंजरे के अंदर, ताकि ना उसकी भी हालत देखते हैं। वो तो ठीक ही होगा, उसको क्या होना है, वो बहुत तेज़ है। इसको रखते हैं इधर, इधर जगह को बंद करेंगे, और उसके बाद दोस्तों उसके बाद इधर लाडी को, और वो खरगोश देख लें, वो कहीं ना डॉग्स को ना मार रहे हैं। हाँ फिर सुकून है अब दोस्तों। रोकी ना उसके पास गया, पता नहीं आजकल उनको क्या हुआ होगा, या तो कोई सिस्टम है बेबी वगैरह वाला ना, तो इसलिए ना वो सबको मारती है। हाँ भाई खुश हो, ये देख रहे हैं दोस्तों देख रहे हैं, पता नहीं इनको क्या हुआ, बड़ा बहुत तेज है। अभी आपने दोस्तों देखा, थोड़ा सा उनको कुछ कहे ना तो कैसे झगड़ा करते हैं। ये देखें ये देखें ये फीमेल है दोस्तों, मेल जो है वो फिर वो कुछ नहीं कहता। ये फीमेल है, वो फीमेल है, मेल है। ओहो होगी दोस्तों, मैंने तो समझा ये छोटी है, ये फीमेल होगी। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है दोस्तों। वो आखिर वो भी उसका असल में वो जो है ना वो आपस में भी लड़ने लगे बच गए, खाने के लिए उसको मार रहे हैं। साजिद भाई जग्गे को लाएं बाहर निकालने। तो दोस्तों अभी जग्गे को बाहर निकाल दिया, जिसने इसका इतना बुरा हाल किया है, हमारे जो पीले शजरे का शेरू। वो देखिए कुत्ते के साथ भी पंगे लेते हैं, रोकी और रानी दोनों के साथ पंगे लेते हैं। कोई बात नहीं, जगह को बाहर निकालें आप।
बहुत तेज़ हुए पड़े हैं आजकल दोस्तों। मुझे लग रहा है कि इनके भी घर ना बनाने पड़ेंगे। अगर अगर घर ना बनाए तो ये कुछ कर देंगे, कहीं उल्ट कहीं सुरंग निकाल कर ना कहीं दूर चले जाएंगे, तो इसके लिए ना इनके भी घर बनाते हैं। हाँ भी जगह आ गए बाहर। साजिद भाई इसको पकड़ के लाएं ज़रा। अभी दोस्तों इसको कर देते हैं इधर बंद जगह को और लाडी को उस तरफ, और फिर शेरू के भी हालत में दिखाता हूँ और उन दोनों को भी दिखाता हूँ। वो तो दोनों बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, प्रॉब्लम तो इसके साथ हुई है। हाँ भी आ जाओ जगह बाहर आ जाओ। और कासम भाई जग्गे के साथ भी इसका झगड़ा हुआ था, तो इसलिए मैंने दोस्तों को बताया कि पहले जग्गे के साथ झगड़ा हुआ था। अभी भी देखें कैसे साहब भाई इसको पकड़े जरा जग्गे को, इसको लहदा बंद करें उस तरफ। वो देख रहे हैं ये अभी भी तैयार है, अभी भी झगड़ा करने के लिए तैयार है। साहब भाई उधर बंद कर दें और उसके बाद लाडी को भी लेके उसको पिछले दूसरे वाले पिंजरे में बंद कर दें। दोस्तों इसको कर देते हैं बंद, क्योंकि आपने देखा अभी ज़रा सा पास करो सही है खुद, अगर हम पीछे हो ना तो ये पीछे इधर हो तो कोई ना कोई झगड़ा हो रहा होता है, तो इसलिए इधर भी हम ज़्यादातर बंद नहीं करते क्योंकि इधर भी झगड़ा हो जाता है कभी कभी। और अभी लाडी को साजिद भाई लेके आ रहे हैं, उसको लहदा बंद करते हैं दोस्तों। हाँ भी लाडी के भी वैसे चेहरे का बुरा ही हाल है, देख रहे हैं दोनों दोनों को। ये तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, चेहरे से ज़रा सा दोस्तों देखें, चेहरे से ज़रा सा हुआ है मसला वगैरह, बाकी ये तो काफ़ी हद तक ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों साहिब भाई इसको पकड़ने झगड़ा हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों इसके साथ भी कैसे साहिब भाई ज़रा पास करना इसके यार, वो देखें दोस्तों ये भी कैसे ना लाल सुरख हो गया, और अपने दोस्तों यहाँ से जो पंख है ना वो भी कैसे खड़े कर लीजिए, तो इसको भी बंद कर दे परले वो वाले। ओहो गुड्डू भी ठीक बात नहीं आता, गुड्डू भी झगड़ा करते दोस्तों इसके साथ, तो इसको भी इधर बंद कर दिए दोस्तों इन दोनों को। चलो भाई इधर ठीक हो तुम दोनों, और रैबिट्स को एक बार देख ले। हाँ भाई ठीक हो, मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा, इतना कुछ डालता हूँ तुम दोनों को। दोस्तों डर ही लगता है इनके कामों से, देख रहे हैं आप। ओए अंदर नहीं घुसना, बकरी का है, चलो बाहर, अंदर ही घुस जाते हैं। वो देखें जनाब दोनों ने भी लड़ना शुरू कर दिया अंदर, मुझे लग रहा है कि चिकन से लड़ाई हो रही है जैसे हो जाती है अक्सर, कहीं उधर ना ऐसे ये भी लड़ रहे हैं। ओए बाहर आओ, इधर आ जाओ, देख रहे हैं दोस्तों कैसे बैठे हैं। वो देखें रोकी जैसे बड़ा सुकून से बैठा है दोस्तों। हाँ जी दोस्तों इन दोनों को कर दिया लगता बंद, ये देखें, और उन दोनों को उसको अकेला छोड़ा हुआ है। वो मुर्गियाँ देखें, मुर्गियाँ भी दोस्तों आपस में जब झगड़ा करते हैं तो वो खीर ही कर देती हैं, ये भी बहुत झगड़ा करती हैं। चलो भाई, हाँ भाई मुर्गी से तो कैसे देखे डरते दोस्तों, मैं भी करूँगा ना। ओ पल्ला पल्ला दूर से ही देख रही है, खरगोश मारता है वो। आने लगा था फास लेकिन मैं पहले ही उठ लिया। हाँ भी गंजे ठीक हो, अपनी हालत देखिए लड़ लड़ के। वो देखिए इसकी इसके सर पे देखे दोस्तों, ये देखिए डर के भाग गया, इसके सर की भी बुरी हालत हुई पड़ी है अंदर से लड़के, तो अंदर का जो मांस है ना वो नज़र आ रहा है इसके, इतनी बुरी हालत है। और ये देखिए शेरू का, ये देख रहे हैं आप चेहरे की इसकी हालत। शेरू इधर आओ,
क्या हालत हुई पड़ी है इनको, मैंने कर दिया लैदा बंद दोनों को, ये बहुत झगड़ा। तो अस्सलाम वालेकुम, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। उस वक्त के लिए हमें दे इजाज़त, क्या हुआ है तुम दोनों बंद ही ठीक हो, शेरू का क्या हालत किया पता तुम दोनों ने, कैसे मासूम बन के खड़ा है तो बहुत तेज़ ऐसे ही हो सालम पट्ठे